फुल चट दी और ये सडनली प्रोग्राम बना, नहीं तो कोई चांस नहीं था कहीं बाहर जाने का। वो भी तब भी हम, अभी भी टाइम क्या हो गया है, 10:40 हो गए हैं और घर से काफ़ी लेट निकले, और मुझे लगता है वहाँ भी जाने के लिए कम से कम एटलीस्ट हमें 1.5 आवर तक चाहिए ही चाहिए। अभी और अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर, और यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा ना जो क्रेन्स होती हैं, डंपर्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह ना, वो देखने को मिले। इसका कारण ये है क्योंकि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग एक प्रोजेक्ट, रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे कोडियाला में रेलवे स्टेशन बनेगा। और आगे रास्ते में है ना एक ही ब्रिज पड़ा है, इस पर है ना, इसके नीचे से गंगा जी नदी जा रही है जिसमें राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक स्लोगन देखने को मिला हमें, शराब पीकर वाहन चला ना चलाएं, लेकिन लोग वगैरह ऐसा करते नहीं हैं। और साथ ही हम पहुँच चुके हैं इस समय पुलिसों की गरुड़ चक्की। इस प्लेस पे ऋषिकेश में है ना प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है श्री गरुड़ भगवान का, और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, आप अपनी मन्नतें मांग सकते हैं यहाँ पे, और ये गरुड़ भगवान आपकी मन्नतों को पूरा भी करते हैं। और इसी के साथ आगे जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ का जो नज़ारा है, इवन गंगा जी हिल्स और गंगा जी में तैरती राफ्टिंग, बहुत ही अमेजिंग है वहाँ का व्यू ना। आप कभी इस रूट से आए और गंगा जी के किनारे किनारे जो ये रोड गई है इससे निकले, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आप इसे देखेंगे ना यकीन मानिए आप यहाँ आए बिना रह नहीं सकते, मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ आपको। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि इस साइट ज़रूर आप अपना एक प्लान करें वेकेशंस में आने के लिए, ख़ास तौर से समर में, और आपको नज़ारा बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। टू गुड, स्वर्ग है, जन्नत है यहाँ पर ऋषिकेश में ना। मैं तो इवन बहुत ही कम जाती हूँ, लेकिन जब गई हूँ तो दिल मन ही नहीं करता दिल वापस लौटने का। और साथ ही नदी किनारे जो कैंपिंग बनी हुई ना, आप उसमें डे नाइट स्टे करें, गजब, अपनी फैमिली के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, बहुत ही आनंद मिलेगा। मतलब मेट्रो सिटीज़ में मैं नहीं मानती इतना लुक कुछ है जो यहाँ पर है, और कूल बिल्कुल, दुनियादारी से बिल्कुल छोड़ जाओ अपना, बिल्कुल यार बिल्कुल, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। और ये फिर हमने इसके बाद एक ब्रिज क्रॉस किया जिससे पास करते हुए हम अपने जो मेन डेस्टिनेशन पॉइंट है हमारा, हम उस पर जा रहे हैं। और बच्चों को तो गाड़ी में बैठ के ऐसा मज़ा आ रहा है ना, पापा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम अपने पॉइंट पर, और देखते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। क्या लेके आए परवाब? फिश का फूड लेके आया है, और छोटी छोटी फिश काफी है यहाँ, मैंने देखी, देखो बहता पानी, पर यहाँ थी देखो, ये रही ये रही, इधर डालो इधर इधर, ये ऐसे नहीं खाएंगे बेटा, ये आपने वहाँ डाला, यहाँ डालना था, देखो ये रही फिश। पर देखो जो आपने फूड डाला था ना वो अब खा रही हूँ फिश, आ रही हूँ।
देखो देखो है ना, है ना। फिश फूड लेके आया है और इसके साथ ये दुपट्टा नेट। हाँ जाओ, ऐसे नहीं खाएंगी वो फूड। इसका इरादा तो बकेट लाने का था, बकेट लाया भी है, गाड़ी में रखी हुई है, और फिश को घर लेके जाना था, लेकिन एटलीस्ट क्या है, इसे मना किया गया, समझाया गया, तो इस पर पकड़ रहा है अपने नेट में। वो चला, हालत हो गई ख़राब। उसका कारण पता नहीं कि पूरा मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, पूरी बॉडी में ना मुझे पेन हो रहा है, और इसका हाँ तो नहाना भी नहीं गया, नहाना भी नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, इन्हीं के साथ ऐसे इंजॉय करेंगे। भाई जैसे पानी मंगाया गर्म, और ये लाए प्लास्टिक का ग्लास, ये तो मैंने खैर बॉटल का पानी दिया, ये भी प्लास्टिक का है। थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा बॉडी पेन में, नहीं मिर्ची, यहाँ मिर्च होगी ना, यहाँ मिर्च नहीं मिलेगी तुम्हें, घर जैसा मिलेगा खाना। पीनट चाट बच्चे के साथ पापा लगे हुए हैं, एक बच्चा आ गया दूसरे को कैच करें। फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अरे अभी पता है 10 मिनट के लिए इसमें आटा डाला रहने दो, उनका फूड भी पड़ा रहने दो, वो तो निकल गया पानी के फ्लो से ना, फिश के कारण स्लिप हो गया। फिश के कारण ही स्लिप हो रहे, अपना एंजॉय कर लो। अरे वाह, स्विमिंग कर रहा है और उसे बुलाया बालक को, वहाँ थोड़ा गहरा है पानी, वो इधर से इधर आ रहा है इसके पास, उसने और काम क्या किया। अच्छा खोल दिया अभी बकेट से ना, अभी दिखाती हूँ आपको, ये रखा है और दूसरा ये, पता नहीं कितनी फिश पकड़ेगा ये। दिमाग देखो इस लड़के का, कहते मम्मा ऐसे करके आएंगे फिश। हाँ आ गई थी, अरे नहीं आएंगी बेटा वो ऐसे। ये बना बना के डाल रहा है लड़का, खाया नहीं खाया, पर्व के अंडरवेयर पे जरूर फूड लग गया फिश का। कौन सा फनी स्टैंड हुआ ये, कौन सा फनी हुआ, फनी सीन हुआ कि पर्व के सर पे गिर गया ये, कैसे गिरा। उसके फादर पूरी तरह से हेल्प लगे हैं इसके करने के लिए, ताकि इनका मोटो जो है वो पूरा हो जाए, और इनका टूर जो है वो किसी भी तरह से खाली ना जाए। शरारतों के साथ देखो हम वहाँ से यहाँ आए हैं, और इसके वजह ना वहाँ पहुँच गए फिश पकड़ने के, और इसके साथ ही हमारी बकेट वो जा रही है। और इसी के साथ ये ट्रिप हुई हमारी, और इन सब की मस्तियों के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर गई, और इसके साथ ही अब हमारा लंच हो गया रेडी। तो ये हमारे पास अभी पैसे भी नहीं थे, बच्चे ने चिप्स लिए, दिखाओ बेटा, बच्चा कहता है मम्मा मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक पापा नहीं आएंगे, क्योंकि पैसे तो पापा के पास है ना, हम तो ठंड ठंड गोपाल। ये कह रहा है घर चलो, यहाँ क्या करना है, फिर आया क्यों थे, आए क्यों थे।
मैगी पॉइंट है और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, वुड का यूज करके ना सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। और यहाँ देखो ये पानी का फ्लो, आगे करो।